तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अब एक नया प्रयोग करने जा रही है। आईएएस के बाद अब आईपीएस को जिम्मेदारी दी गई है। सुपर एक्शन मोड में सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। बड़े अफसरों को जो कमान है वो संभागों की सौंपी गई है। संभागों की निगरानी की उन्हें जिम्मेदारी दी है। सीनियर आईपीएस अधिकारियों को संभाग आवंटित कर दिए हैं। तो मुख्यमंत्री अब सीधे जिले और संभाग की रिपोर्ट इन्हीं लोगों से लेंगे। हर अधिकारी को एक संभाग का प्रभार सौंपा गया है। तो किस आईपीएस को कौन सा संभाग मिलने जा रहा है, चलिए आपको वो भी बता दें। विजय कटारिया का नाम सामने आया, सीनियर आईपीएस भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक रंजन नर्मदापुरम, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ग्वालियर की जिम्मेदारी, आईपीएस योगेश मुद्गल शहडोल, पवन श्रीवास्तव चंबल, अनिल कुमार रीवा, संजीव शमी सागर, चंचल शेखर जबलपुर, जयदीप प्रसाद इंदौर, योगेश देशमुख उज्जैन। तो इन सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा कुछ आईएएस अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी है, आइए वो भी आपको बता दें। अर्थ जैन उज्जैन का एसडीएम, इनको जिम्मेदारी दी गई है। वैशाली जैन एसडीएम हुजूर, दिव्यांशु चौधरी को डबरा एसडीएम, सूरज वर्मा एसडीएम सिंगरौली, अर्चना कुमारी एसडीएम सिहोरा, अरविंद कुमार शाह एसडीएम शहडोल, शिवम प्रजापति एसडीएम पुनासा, टी प्रतीक राव एसडीएम इटारसी। तो तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं और सीधे अब ये मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मोहन यादव सरकार ने एक नया प्रयोग किया है और यहाँ पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और साफ तौर पर संभागवार इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं और अब ये अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। किस तरह से देखा जा रहा है इस प्रयोग को? देखिए, मध्य प्रदेश में नया प्रयोग है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब बने तो प्रशासनिक कसावट लाना चाहते हैं और एक अलग तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि जनता के हित के जो भी काम है तत्काल उस पर अमल हो। इसीलिए आप जो नाम ले रहे थे दिनेश, मैं दर्शकों को भी बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, दो तरह की चीजें हैं। एक तो वो आईपीएस अफसर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सभी एडीजी स्तर के अधिकारी हैं। कुछ तो इसमें से एक दो महीने में डीजी स्तर के अधिकारी हो जाएंगे, जैसे कटारिया साहब है या फिर जयदीप प्रसाद है जिनको इंदौर दिया गया है। तो ऐसे तमाम अधिकारी है जिनको अतिरिक्त तरीके से लगाया गया है ताकि मॉनिटरिंग ठीक ढंग से होते रहे कानून व्यवस्था की। इसी तरह आपको याद होगा कि एक दिन पहले जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं वो एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं, मतलब आईएएस हैं, लेकिन उनको एसडीएम की भूमिका होता भी है। जब नए आईएएस चुनकर आते हैं तो उनको अलग अलग जगह एसडीएम बनाया जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक और आईएएस की सूची आई है, वो भी इसी तरह की, जिसमें एसएएस स्तर के अधिकारी जैसे मलय श्रीवास्तव को इंदौर दिया है या हम बात करें राजेश राजौरा को उज्जैन दिया है। तो ऐसे करीब दर्जन भर अधिकारी पुलिस के और दर्जन अधिकारी आईपीएस और दर्जन भर आईएएस जिनको संभागों की जिम्मेदारी दी गई। ये नया प्रयोग है मध्यप्रदेश में, एकदम नया प्रयोग है और मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि लगातार मॉनिटरिंग के साथ, चाहे वो जनता के हित के काम हो या कानून व्यवस्था की बात हो, तत्काल उस पर अमल हो और एक मैसेज जाए कि सरकार कुछ नया करना चाहती है, जनता के हित में कार्य करना चाहती है, ना गुंडागर्दी चलेगी और ना ही कामों में जो लिंगाराम होता है जिसे कामों को रोक दिया जाता है वो चलेगा। तो एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है जिसमें वरिष्ठ आईएएस अफसरों को संभागीय स्तर की कार्रवाई के लिए कहा गया और पुलिस की कानून व्यवस्था के लिए आईपीएस अफसरों को कहा गया जो एडीजी स्तर के अधिकारी या आईजी स्तर के अधिकारी है। तो एक नया प्रयोग है, अब इसका कितना लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से यदि मंशा ठीक है तो उसका रिजल्ट भी ठीक दिखाई देगा। चलिए, शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो नया प्रयोग है लेकिन ये प्रयोग कितना रंग लाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।